जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे एस्ट्रो चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं तीन राशियों का जुलाई का राशिफल। इनका राशिफल कैसा रहने वाला है, आइए उसको देखते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बारी जय माता दी कह दें। जय माता दी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि से। दोस्तों, यह माह मिथुन राशि वालों के लिए कार्य और व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में उनको बहुत सारी तरक्की प्राप्त होगी। कार्य व व्यापार से संबंधित जो पक्ष होते हैं उनके मध्य सहमति बनने में काफी योगदान मिलेगा। इस माह उनके बिगड़े हुए सभी कार्य बनने की संभावना दिखाई देती है। मिथुन राशि का व्यापार बढ़ेगा और नौकरी में भी उनको प्रोग्रेस प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं प्रेम एवं संबंध के बारे में। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अधिक अनुकूल प्राप्ति करने हेतु और समय देना पड़ेगा, यानी प्रेम के लिए इस समय थोड़ा सा समय ज़्यादा देना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता देने वाला रहेगा। साथी के मध्य किसी अपेक्षित वस्तु खरीद को मूर्ति रूप दिया जा सकता है, अर्थात कोई भी चीज की वस्तु प्राप्तिकरण के लिए आपका पार्टनर आपसे कह सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहें, जिससे दोस्तों आपको कोई भी असुविधा ना हो। यानी अगर आपका कोई प्रेमी है तो वो आपसे गिफ्ट की रिक्वायरमेंट कर सकता है। इसी तरीके से परिवार में भी आप अपने परिवार को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं, इत्यादि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर आपका मनोरंजन होता हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वित्तीय स्थिति की। मिथुन जातकों के राशि जो जुलाई के लिए है उस पे ये कहता है, एस्ट्रो ये कहती है कि ये भाग्य आपकी आमदनी को उच्च करने हेतु समय बहुत अच्छा है। थोड़ा यदि आप समय ज़्यादा दें तो आपको वित्त में सहायता बहुत अच्छी मिलेगी और आपके वित्त स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी, अर्थात आपके पास धन की प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय आया हुआ है। इसको मौका ना गंवाएं और अपनी मेहनत में दोगुना कर दें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस माह आपको थोड़ी सी अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे थोड़ी सी परिश्रम में। जैसे आप 60% अगर आप काम करते हैं तो आपको 80% उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा और ज्ञान की। तो दोस्तों, जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए शिक्षा का स्तर बेहतरीन रहने वाला है। तीव्रता से उनको सफलताएँ प्राप्त होंगी। इस माह थोड़ा सा हो सकता है कि उनको भूलने की एक समस्या आए, परंतु वह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर वह काबू नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को करेंगे तो उच्च शिक्षा की ओर भी आप अच्छा ही मुकाम हासिल कर पाएंगे और हर एक तरीके से विद्या भाव में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सभी शुभ संकेत दे रहा है, यह माह आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़ी सी पीड़ाएं हो सकती हैं। यद्यपि ये माह सभी प्रकार से सही रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है, फिर भी थोड़ा सा पेट में पीड़ा, शरीर दर्द, सर में दर्द और बिना बात की टेंशन होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, अपनी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी आपका यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको उपाय क्या करना है। जो भी अनिष्ट ग्रह होते हैं उनसे संबंधित यदि आप दान करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा, सफल, सुंदर बनेगा। और गौ सेवा, गौ पालन को हेतु आप बढ़ चढ़कर योगदान करते हैं तो आपके बिगड़े हुए सभी काम इस माह आपके बन जाएंगे। महादेव की आरती, अर्चना इत्यादि करें तो आपके बिगड़े हुए सभी तरीके के कार्य भी बनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का मिथुन।